तो भाई राम राम सभी को। एक बार आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इस वीडियो पर या तो देख रहे हो तो आपका कैश लेटर आ गया है या फिर आपका वीज़ा आ गया। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपना इमिग्रेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। पहली बात तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, जो भी आपके माइंड में चल रहा है कि इमिग्रेशन में क्वेश्चन क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो बिल्कुल माइंड फ्री हो गया ना। मेरा भी ऐसा ही माइंड हुआ पड़ा था कि भाई टेंशन हो ही पड़ी थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं, क्या पूछ लेंगे, क्लोजिंग होएगी ना होगी, इंटरव्यू टाइप क्या होगा। तो सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जो भी बताऊँगा सच बताऊँगा कि भाई रियलिटी बताऊँगा क्या सीन होता है वहाँ पर क्या सीन नहीं, और फालतू टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यो ये भी अपने माइंड में पाकर रखिए, और जब बेफालतू की टेंशन लोगे तो शायद घबरा जाओ वहाँ, तो टेंशन ना लो और टेंशन फ्री होगा। वीडियो में चालू करते हैं, ठीक है। तो आप सभी का इस टाइम पे वीज़ा वगैरह आ चुका होगा या फिर कैश लेटर आ गया होगा, एम्बेसी में आप अप्लाई करने वाले होंगे। तो एक हिसाब से कहा जाता है कि अगर जो आपका कैश लेटर आ चुका है तो समझ लो कि आपका वीज़ा भी आ चुका है। इस टाइम ये हमारी सोसाइटी है जहाँ पर मैं रहता हूँ, मतलब वहाँ पे हमारा घर है। अभी काम वगैरह से आया था मैं, काम वगैरह से आके नहा धो के बाहर निकला हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के। अगर जो बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की दो, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सिंपल रहा है। क्या हुआ था, मुझे पहले ऐसे घबराहट हुई पड़ी थी कि क्वेश्चन में क्या पूछें क्या नहीं पूछें। कम से कम मैंने 6-7 बंदों से जो पहले ही मेरे रिलेटिव यहाँ पे थे यूके में और कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे फ़ोन मिला के तंग कर लिए थे वो कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, क्या पूछते हैं, क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो ये सब कुछ मैंने उनको ना मतलब पूछ पूछ के तंग कर लिया था। बट लास्ट में जब मैं वहाँ पे इमिग्रेशन पे पहुँचा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था कि भैया ये क्वेश्चन पूछेंगे उलझा लेंगे क्या पूछ लेंगे क्या नहीं, तो ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं है। तो सबसे पहली बात अपने माइंड में ये रखनी है कि जहाज से उतरते ही ट्राई करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इमिग्रेशन पे पहुंचना है, और इमिग्रेशन को मतलब जितनी जल्दी क्लियर कर सको उतना ही अच्छा है। अगर जो आप आराम से जाके देखो कि आगे लाइन लगी हुई होती है, मतलब जहाज उतरता है तो सभी को इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है, तो ट्राई करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इमिग्रेशन क्लियर करना। इसका रीज़न ये है सबसे बड़ा कि अगर जो आपको अगले बच्चे इंटरव्यू देते हुए अगर जो आप उनको देखोगे तो आप भी हो सकता है डर जाओ। तो ट्राई करना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंटरव्यू देके जल्द से जल्द निकलना। क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट बताना चाहूँगा जो कि जरूर रखना अपने पास और जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। उनमें सबसे पहला आता है कैश लेटर हो गया, उसके बाद जो आपका जो यूनिवर्सिटी का एक ऑफर लेटर होता है वो भी रखना साथ में। वैसे ऑफर लेटर इतनी जरूरत नहीं पड़ती, कैश लेटर ही मांगते हैं वो, मुझसे भी उन्होंने कैश लेटर मांगा था। और साथ में आपको जो स्टूडेंट आईडी की भी याद रखना, और जो आपकी DMCs वगैरह होती हैं वो सब मतलब अपने पास में ही रखना, और मांग सकते हैं बट यही है अपने पास रख के चलो तो सेफ साइड रहेगी। मुझसे उन्होंने सिर्फ कैश लेटर मांगा था, तो कैश लेटर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो कैश लेटर अपने पास हो सकता है तो रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो कि इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अपने माइंड में मतलब छाप के आना कि ये तो याद करने ही करने हैं। इतने मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं आपको। एक तो सबसे पहले ये याद रखना कि भाई आपको मतलब यहाँ के बाद जब इमिग्रेशन आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आप जाओगे कहाँ, ये क्वेश्चन वो मतलब मोस्टली पूछते ही हैं कि आप किसके पास जाओगे कहाँ स्टे करोगे, तो ये क्वेश्चन जरूर माइंड में रखना, ठीक है। मैंने जो तैयार कर रखा था, मैंने ये क्वेश्चन तैयार कर रखा था कि मेरे पापा का एक बहुत पुराना फ्रेंड है यहाँ पे यूके में, तो मैं उनके पास जाऊँगा। बहुत से होते हैं वो ये माइंड में रखा है, कुछ होटल्स के नाम याद कर लेते हैं, उनके होटल को नाम उन होटल के नाम उनको बता देते कि मैं इन होटल में रुकूँगा, या कुछ प्री बुकिंग वगैरह कर बता देते इस टाइप से कि मैंने प्री बुकिंग करा रखी है या मैं अब वहाँ पर जाके बुक कराऊँगा इस टाइप से। तो और उसके बाद 2 या 3 या 1 वीक रह के मैं अपनी अकोमोडेशन ढूँढूँगा। तो इस टाइप से मतलब ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नंबर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट नंबर बिल्कुल रट लेना, ये बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट नंबर। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कि वही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकते हैं वो कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है यूनिवर्सिटी का, और आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया। बाकी मुझे लगता है कि वो ये क्वेश्चन पूछा है कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, बट फिर भी अपनी सेफ साइड रहना, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके आना अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आता है वो आता है आपके कोर्स के बारे में, जो कि आपका कोर्स है। कोर्स में भी जैसे मेरे BSc कंप्यूटर साइंस है, तो BSc कंप्यूटर साइंस के
बारे में कि भाई इसमें क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। तो अपने कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत प्रिपेयर रखना। और ये 4-5 क्वेश्चन है मेन, कि भी एड्रेस, आपकी स्टूडेंट आईडी, और आप मतलब कहाँ जाओगे, क्या कोर्स है, क्या यूनिवर्सिटी आपकी। तो ये 3-4 कैटेगरी हैं, इन्हीं कैटेगरीज में वो पूछते, इससे अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपके बारे में पूछ लेंगे। आपके बारे में भी यही पूछेंगे कि भाई आपका नाम वगैरह क्या है, माई सेल्फ टाइप, आप समझ सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है। तो अब बात करता हूँ मैं अपने क्वेश्चन की, जो कि उन्होंने मुझसे पूछे हैं इमिग्रेशन पे। जो इमिग्रेशन पे क्या हुआ, मैं मतलब जितनी जल्दी हो सका था मैं उतनी जल्दी इमिग्रेशन पे पहुँचा। तो स्टार्टिंग में मेरा नंबर पड़ गया था, तो इमिग्रेशन पे पहुँचते ही मुझसे उन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछा। और एक बार और ये बात और दिमाग में रखना, बहुत से कहते हैं कि भाई पहले बूथ पे जाना है, तीसरे बूथ पे मत जाना, वहाँ पे मतलब तंग करता है, या चौथे बूथ पे जाना तो वहाँ पे तंग करता है। ऐसा कोई सीन नहीं है, किसी मर्जी लाइन में लग जाओ आप, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछेंगे, सेम क्वेश्चन भी क्या पूछेंगे, मतलब इतने घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये हलवा बना के रखते हैं ना कि भी पहले 2 लाइनों में मत लगना, चौथी लाइन में लगना, लास्ट लाइन में मत लगना, पहली लाइन में लगना, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ पे किसी मर्जी लाइन में लग जाना, ट्राई करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लाइनों में लगने की, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इमिग्रेशन क्लियर करने की, ठीक है। तो मुझसे उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई आप यहाँ पे आपका पर्पस क्या। तो मैंने उसको उन लोगों को बताया, मतलब जो मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैंने यूनिवर्सिटी के नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपका कोर्स कौन सा है, कोर्स का नाम बताया। फिर उन्होंने मुझसे कैश लेटर मांगा डॉक्यूमेंट में, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है कैश लेटर अपने पास रखना। कैश लेटर मांगने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है। स्टूडेंट आईडी मैंने उनको बताई, तो स्टूडेंट आईडी बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछी भाई आपकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस उन्होंने मुझे मेरी यूनिवर्सिटी पूछी, तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस £15,000 है, जिसमें से 3,000 की मुझे स्कॉलरशिप मिली है। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। तो उन्होंने पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट तो उनके पास स्टार्टिंग में होता है, मांग लेते हैं। और पासपोर्ट का जो नंबर है वो भी माइंड में रखना, भी आपको पासपोर्ट का नंबर क्या, बेसिक डिटेल्स आए हैं, जितनी हो सके बेसिक चीज़ें पूछते हैं वो, ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल अपने माइंड में उठा के रखना। तो उन्होंने पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाई, और चलो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। आपको मैं ये बताऊँगा, मेरे साथ एक लड़की और आई थी, अपने इंडिया सिटी एयरपोर्ट से मिले थे मतलब, तो वो मास्टर्स पे थी। आप मतलब यकीन नहीं करोगे, उस लड़की से मतलब उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो जब हमने इमिग्रेशन क्लियर किया, तो मैंने उससे पूछे हुए क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो उसने बताया कि मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसका एक्सपीरियंस क्या रहा था, उसने मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको थोड़ा हया दिखाया, थका हुआ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था इतने लंबा सफ़र, क्योंकि 10 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो उसने पूछा कि भाई क्यों आप थके हुए, इंग्लिश में पूछा मतलब क्यों थके हुए, तो उसने बताया कि हाँ बहुत ज़्यादा थके हुई हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उसने उसका पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाई, और ऐसे ही चलता कर दिया कि भाई जा तू। तो इस टाइप के भी सिनारियो होते हैं, तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जो आप टेंशन ले रहे हो तो बेफालतू की टेंशन ले रहे हो, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें प्रिपेयर रखना, ठीक है। और साथ में डॉक्यूमेंट बता दिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और ये चीज़ें ज़रूर माइंड में रखना जो मैंने आपको बताई है, और टेंशन फ्री रहो, इतना खास कुछ पूछते नहीं है। किसी से तो वो मतलब एक या दो क्वेश्चन ही पूछते हैं। और मैं बताऊँ तो मेरे मतलब साथ कैसे से फ्रेंड है जिनको मतलब इंग्लिश भी नहीं अच्छे से आती, उन्होंने भी इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, ठीक है। और हमारे गांव के कुछ और भी हैं जिनको मतलब हिंदी, गांव में कहते हैं ना कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश का तो कोई ABC भी नहीं आती। तो इस टाइप के भी मैंने देखा है, उन्होंने भी मतलब इमिग्रेशन क्लियर की हुई है। तो ये मत सोचना कि आपसे इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगी, ये वो क्या पूछ लेंगे क्या नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछेंगे। तो टेंशन फ्री रहना, टेंशन फ्री होकर इमिग्रेशन क्लियर करो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।